एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कशन करने वाले हैं. फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए. तो पहला हमारा इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, तो यू कैन सी सर फर्स्ट इंटीजर जो होगा हमारा वो 6 ही होगा, 6 से डिविजिबल. सेकंड क्या होगा, 12 होगा. 6 का टेबल आता है ना, 6 की टेबल से जो डिवाइड होने वाले नंबर होंगे वो सारे डिविजिबल होंगे और पॉजिटिव होने चाहिए. 18 ठीक है, 6 टू 18 3 टू 18 6 4 24 डैश 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 ठीक है. फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 ठीक है. फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्वेश्चन बोर्ड में और कुछ नहीं मेंशन है. अगर क्वेश्चन में 6 की जगह कुछ और नंबर आए तो यहाँ पर अगर 7 आएगा तो हम यहाँ पे 7 का टेबल, जो भी नंबर आएगा उसका टेबल लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर हमारा फाइंड द सम है भाई डियर, फाइंड द सम है. हमने क्या लिखा, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स. अच्छा फाइंड द सम, सम फाइंड करना है हमें. कितने ऐसे इंटीजर 40 हैं, कितने बच्चों 40 40 सॉरी. तो माय डियर यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा ठीक है. तो यहां पर हमारा गिवन क्या क्या है, हमें यहां गिवन है ए का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 6 है. कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, मैं सीडी लिख रहा हूँ आप लोग पूरा लिखकर करेंगे ठीक है. कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, ए टू का वैल्यू 12 है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ए टू का वैल्यू बी का वैल्यू 6 आए. अब हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, एन अपॉन टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी. एन का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 2, टू ए का वैल्यू कितना है 6 है प्लस एन माइनस वन बोले तो कितना है 40 माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है हमारा 6 है. ऑल राइट, तो एस 40 इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा 16. नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं आप लोग, है ना, सारे बच्चे नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे. 39 हो गया ये इंटू में 6, एस 40 इज इक्वल टू में 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 टाइम्स 54, 6 थ्री 18 23. एस 40 इज इक्वल टू में 20 इंटू में 4 दो 6 3 और 1 4 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग आंसर ले आना ठीक है. इतना तो कर ही सकती हूँ आज के सेशन में इतना ही. अब आपको जो इसका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आप लोगों का, 13 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. इसमें आपको आपको मल्टीपल्स ऑफ 8 बताना है ठीक है. तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 बताने के लिए यू हैव टू बी ठीक है मेक एन एपी ठीक है बाय 8 टेबल. 8 का टेबल लिखेंगे आप और यहाँ पर आपका एन का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 15 होगा. कितना होगा इनका वैल्यू, 15 होगा. अगले वाले क्वेश्चन में इनका वैल्यू कितना होने वाला है, 15. क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला आएगा, हमें 15 मल्टीपल्स चाहिए किसके, 8 के. तो फर्स्ट टर्म हमारी 8 हो जाएगी, सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 8 टू जा 16, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 24, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 32. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं क्या करना है. देख लिया आपने, देख लिया बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे अटेंड करना है. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ऑड नंबर बताने 0 से 50 के बीच में, तो उसी में थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको. 0 से 50 के बीच में आपको ऑड नंबर बताने, तो आप कैसे बताओगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर क्या होते हैं, तो 1 होता है हमारा ऑड नंबर, 3 होता है, 5 होता है. 1, 3, 5 डैश 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 कहाँ तक जाएगा ये पूरा आपका, 49 तक. 50 के पहले कौन सा ऑड नंबर है बच्चों, 50 के पहले कौन सा ऑड नंबर है, आप बोलोगे सर 49 50 के पहले. तो थर्ड वाले क्वेश्चन की एपी की मैं सीरीज बना के दे रहा हूँ आपको, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए. क्या 4920 कितना है, 4920 क्वेश्चन नंबर आपका 14 का. देखिए एपी कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारी 1 होगी, सेकंड हमारी 3 होगी, फिर 5 होगी, डैश 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 49 होगी. ऑलराइट, हाँ